तो गाइस हम लोग अभी सोनमर्ग जाने के लिए निकले हैं और सोनमर्ग से 9 किलोमीटर पहले रोड बंद है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है आगे, तो रोड बंद है। लेकिन हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि क्या निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो एक स्टोरी मुझे आई और स्टोरी मेरे मुझे लगा कि अपनी टीम के साथ अपने लोगों के साथ वो स्टोरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अचानक इन पहाड़ों को देखकर याद आ गई। तो ये जो आप देख रहे हैं वो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, एक बार उधर करो, वो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है आपको? जी जी। तो मैं वो पहाड़ देख करके मुझे एक स्टोरी याद आई, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन नाम नहीं बता पाऊँगा ये किसके साथ घटना घटी थी। लेकिन एक व्यक्ति था उसको माउंट एवरेस्ट पे जाना था जी, और वो पूरी तैयारी करके जी जी गया माउंट एवरेस्ट पे जी जी। लेकिन वो जिस पीक पर जिस चोटी पर पहुंचना चाहता था लेकिन वहां पर वो चोटी पर नहीं पहुंच पाया, या उसके खाना ख़त्म हो गया या उसके इक्विपमेंट्स ख़त्म हो गए, उसके औजार या जो भी टूल्स होते हैं वो सब ख़त्म हो गए, तो वो हिम्मत हार करके वापस आ गया। और वापस आ गया और उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसने फिर हिम्मत जुटाई, फिर तैयारी की, फिर सब कुछ किया और फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर किसी कोई चीज़ उसकी छूट गई, फिर वो रह गया बार बार। तो बार बार आने की वजह से जब भी वो वापस जाता था तो वो उस चोटी को देखता था और उस चोटी को देख करके वो सर हाँ उस चोटी को देख करके जब वो वापस जा रहा होता था, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो चोटी यहाँ पर है, तो चोटी को देख करके ये बोलता था कि तुम तो उतनी ही रहोगी, अगली बार मैं बड़ा होके आऊँगा। चोटी तो उतनी रहेगी ना, मैं तो दोबारा और अपनी तैयारी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं आपको भी यही बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी हमें RCM बिजनेस में भी हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है, बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। और बार बार जब आप कोशिश करते रहते हैं, बार बार जब आप प्रयास करते रहते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि आप अगली बार और ज़्यादा तैयार होकर के आते हैं। वो जो दिक्कत थी, वो जो परेशानी थी जिसकी वजह से आप हिम्मत हार गए, अगली बार वो दिक्कत तो उतनी रहेगी लेकिन आप और बड़े होकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये स्टोरी